बीते दिन एन आई ए वालों संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले भतीजे की जो जमीन गुरुपुर रोडे विखे सी उसनू कल बोर्ड लगाया गया सीगा, किसी महकमे किसी मुकदमे अटैच किया गया सीगा। उस संबंधी अज जन्म स्थान गुरद्वारा संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले दमदमी टकसाल के चौथे मुखी उन्होंने गुरद्वारा विखे अकाल तख्त के सबका जथेदार भाई जसवीर सिंह रोडे वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, रणनीति बारे जानकारी साझी की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुहानू प्रेस वाले नू पता ही है अज सारे अखबारों के भी ये खबर काफ़ी महत्व के नाल छपी है। कल इत्थे पिंड रोडे दे विच एन आई आई की टीम आई जिदे नाल पंजाब पुलिस की फोर्स भी सी। उन्होंने श्रीमान संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले महापुरखों के भतीजे दास के वड्डे भाई अमर शहीद सरदार जगीर सिंह के सपुत्र भाई लखवीर सिंह की प्रॉपर्टी जब्त करने वास्ते साडी जिहड़ी सांझी जमीन है उहदे विच बोर्ड ला के उह जमीन की जब्ती का उन्होंने बोर्ड लाया कि असी एक तरह का उन्होंने ऐलान किया है कि असी यह जमीन जब्त करते हैं क्योंकि जिहड़ियां उहदियां गतिविधियां है वो देश विरोधी है। इस संबंध के मैं तुहानू खेचल दिती है, ये ही मैं अपनियां विचारां कौम के सामने रखनिया चाहना है और तुहाडे जरिए दुनिया विच वसदे सारे सिखां दे सामने रखना चाहना है। तो यदि मैं शुरुआत करनी चाहना है कि ये सारा कुछ की हो रहा है, क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट की मंशा की है, की चाहती है और सानू की करना चाहिए। ये मैं चंद मिनटों के आप विचार रखने वास्ते अज की मीटिंग रखी है। तो मेरे बोलने तो बाद कोई लगे कोई गल अधूरी रह गई जो नवी पूछनी चाहते हैं तो तुम बड़ी खुशी ना पूछ सकते हैं। सिंह जी, हाँ जी सिंह साहब जी, जिहड़े एन आई ए ने जमीन जब्त का बोर्ड लाया है यहोजे किचे लखवीर सिंह रोडे के खिलाफ जो उन्होंने जमीन जब्त करनी पेगी? एक मिनट मैं सारी वेख्या, मैं दो मिनट कर देनी है, उदू बाद सवाल करो जो भी करना है। देखो इतने श्री मान संत बाबा जरनैल सिंह खालसा जी की अगवाई में श्रोमणी अकाली दल की अगवाई में बहुत वड्डा धर्म युद्ध मोर्चा चलिया जिहड़ा कि एक डेमोक्रेटिक ढंग के नाल शांतमई मोर्चा चल रहा है। उहदे विच बड़ा लंबा समा देश विदेश की संगत ने बहुत वड्डा साथ दिता, बहुत ज़्यादा शहादतां होईयां, पर हिंद सरकार ने गलबात करन दे जरिए मसला हल करन दी बजाए मंगा मिलन दी बजाए तोपां ते टैंकां दे नाल उहदा जवाब दिता जिहदे एवज दे विच बहुत सारियां सिख संगतां दे मन गुस्से नाल भर गए, बहुत सारे नौजवान सिरां ते कफन बन के चल पे। और उस समय भी ब्लू स्टार के दौरान भी बहुत सारे गुरु के प्यारियां ने सिरां ते कफन बन के कलगीधर पातशाह के दरसाए रास्ते ते चमकौर की गढ़ी नूं दुबारा याद करवाया और अपनियां शहादतां दे दित्तियां पर ईन नहीं मन्नी। उस तों बाद ये सारा दौर शुरू होया। उस तों बाद भी अज तक किसी भी गौरमेंट ने गौरमेंटा बदलिया, इंदिरा गांधी मारी गई, जनरल वैद्या मारिया गया, कोई तो गुरु के सिख सी जिन्होंने सिरां ते कफन बन के अपनी जवानियां फांसी दे रस्सियां वल नूं तोर लईयां, पर एक दुनिया नूं सुनेहा दिता कि जिहड़ा साडे ते वधीकी करूगा उहदा हशर यह होगा। उस तों बाद जातियां जुलम सितम की कहानी बहुत लंबी है। इत्थे जे भाई जसवंत सिंह खालड़े ने जरा कि गल की कि साढ़े बहुत सारे नौजवानों तुसीं झूठे पुलिस मुकाबलों में मारिया है तो वह भी झूठा पुलिस मुकाबला बना दिता गया। जे इत्थे जथेदार श्री अकाल तख्त साहब भाई गुरदेव सिंह सिंह साहब भाई कौंके ने यह गल चुकी कि सिखां दे मसले इस तरह हल होने चाहिए है तो वह झूठा पुलिस मुकाबला बना दिता गया। मैं किन्या कि ना लवां इत्थे इस दौर दे विच सैकड़े नहीं हजारा नहीं लखां ही बेकसूर सिखां दा कतलेआम किया गया। उस तों बाद विदेशां विच वसदे भी बहुत सारे सिखां ने
इस रस्ते नूं चुनिया कि जे देश की आजादी विच एडियां वड्डियां घालना घालन वाली कौम दे नाल दा इह हछरौणा है तां फिर असीं इस रास्ते तुरन वास्ते मजबूर हाँ। सो इसी रास्ते ते बहुत सारे सिख तुरे, जो कुछ होया साढ़े सामने है। भाई लखवीर सिंह दास दा वड्डा भाई है और वो 1983 तो बाद कदे पंजाब नहीं आया और मैं समझदा कि बड़ी सोच समझ तो बाद उसने रास्ता चुनिया। साडा बहुत वड्डा कारोबार सी दुबई दे विच, साडे कोले सैकड़े बंदे वर्कर काम साडे नाल करदे सी, जिहदे विच सानू चंगी आमदन सी। पर जिहड़ा राह इक शुरू हो गया उहते मैं पहलां दुबई छड्ड दित्ती। मैं इंग्लैंड दे विच इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन स्थापित कीती। जदों मैनूं अरैसट कर लिया गया भारत सरकार ने अपने जरिए अपनी सोर्स वरत के अपने, क्योंकि इन्हां दे एक दूसरे देशां दे संबंध सी, मैनूं अरैसट कर लिया। मेरे अरैसट तो बाद जनवरी 1985 दे विच भाई लखवीर सिंह ने भी दुबई तो काम छड्ड दिता, कनेडा चले गए। वो इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन दे चीफ बने मेरे तो बाद। जथेबंदी चलती रही, गतिविधियां चलदियां रहियां और कई बार वो देश बदलते भी रहे, रूह कुछ भी होंदे रहे, पर अज तक वो मुड़ के भारत नहीं आए। जो अज कुछ होया है, अज उन्हां दी प्रॉपर्टी जब्त करन दे जो बोर्ड लगे है, वो कल्ले भाई लखवीर सिंह दे नहीं लगे, होर भी कई गुरसिखां दे लगे है। गल ये नहीं कि साडी प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हैं, साडी प्रॉपर्टी असल विच मैं देश दे प्रधानमंत्री नूं दसना चाहुंदा है कि साडी प्रॉपर्टी जमीन नहीं हैगी, साडी प्रॉपर्टी साडी कौम है। जिहड़ी कौम की खातर कलगी धर महाराज ने सानू एक संदेश दिता है, इन पुत्रन के शीस पर वार दी सुत चार, चार मुए तो क्या पया जीवत लख हजार। जिहड़ी प्रॉपर्टी की खातर सतगुरु ने अपनी प्रॉपर्टी, अपने किले, आनंदपुर साहब सब कुछ छड दिता सी, इस वास्ते ये सानू एक संकेत दिता सी कि तुहाडी प्रॉपर्टी तुहाडी जमीन जायदाद नहीं। लख वारी इहो जिहियां जमीना वारियां जा सकदियां इन्हां कौम के महान सिदकी उन्हां योधियां की सोच ते जिहड़े इस रास्ते ते तुरे ने। सानू इसका फिक्र नहीं, पर साडी जायदाद साडी कौम है। साडी कौम की जिहड़ी जवानी फ्रीज की है 30-30 साल तो, भाई तारे होनी, भाई हवारे होनी, भाई राजवाने होनी जेल च बंद नहीं। पूरे भारत में एक बंदा दस दो एक जिहड़ा 30 साल तो एक मर्डर दे विच जेल च बंद होवे। साडे लई वक्खरे कानून है कि तुहानूं जे छड्डिया गया इत्थे हालात खराब हो जाणगे, इलाज नाल डर दी स्थिति बिगड़ जूगी, ये साडे लई है। अज भी जो ये जमीन फ्रीज कीती है, गल जमीन दी नहीं, ये एक इशारा है कि भारत सरकार थोड़े नाल किवें वरतना चाहुंदी है, ये एक संकेत है। मैं समुची कौम नूं बेनती करना चाहुंदा है कि सानू ये संकेत कबूल है, असीं इहनूं खिड़े मत्थे कबूल करदे हां कि तुहाडा ये संकेत है ते तुसीं इस रास्ते ते चलो, जी सदके चलो। तुसीं अज तक ब्लू स्टार तो बाद चले, 1947 तो बाद ही चले हुए हैं, चले आ रहे हैं। पर याद रखियो इत्थे बाबा फरीद जी ने एक बाणी दे विच इशारा कीता है कि किकरां बीज के तुसीं खजूरा नहीं खा सकते। लोड़ा दाख बजौरियां किकर बीजा जट, ठंडा उन पताए दा बहिंदा लोड़ा पट। न्याणी चलना इत्थे कि जे तुसीं एक पासे साडे नाल ये इंसाफ करो कि साडियां जमीन जायदादां जब्त करो और साडे सिखां दा विदेशी वसदे सिखां दा शिकार खेडो, शिकार जाके विदेशां दे विच वी कतल कर दिओ। कतल करन तो बाद भी भाई हरदीप सिंह निज्जर दे घर ते नोटिस ला दिओ कि असीं जब्त करदे हां। कोई इंतहा हुंदी आ जिस पासे तुसीं तुरे आ, तुरो। और मैं बेनती करां कि जे इस रास्ते तो कहो, मैनूं कल भी एक वीर ने टैलीफोन करके चैनल ते लैणा चाहिया, मैं कहा नहीं मैं कल ही जाके प्रैस कॉन्फ्रेंस करांगा। वो बार बार ये पुछदा सी कि तुसीं भाई लखवीर सिंह दी सोच नाल सहमत हो, मैं तुहाडे जरिए सारे नूं दसना चाहुंदा है मैं सहमत ही नहीं, मैनूं बहुत फकर है जिन्हें भर जवानी दे विच अपना कारोबार अपना परिवार छड के एक कौमी मिशन दे रास्ते ते निकल के पिछा नहीं देखिया कि अज मैं उहदे नाल सहमत नहीं। ये तो सतगुरु की बख्शिश है, जे
होर बहुत सारे कौमी परवानिया ने गुरु कलगीधर पातशाह के पुत्रां ने ब्लू स्टार तो लैके अज तक शहादत दित्तियां ते सतगुरु ने थोड़ी जी कृपा साढ़े ते भी की है। दास के पिता शहीद होए, दास का छोटा भरा भाई सवरन सिंह शहीद होया, साडे चाचे के पुत्र भाई हरदीप सिंह शहीद होए, बहुत सारे रिश्तेदार शहीद होए, साडे चाचा जी जगजीत सिंह जी शहीद होए। ये एक सतगुरु ने बख्शिश की है, शहादत एवं नहीं मिलती। शहादत किसी को जो कोई चाहे भी तो शहादत नहीं मिलती, ये गुरु की कृपा नाल मिलती है। और उन्होंने शहीदों नूं उन्होंने रस्ते नूं अज असीं दरकार सकते हैं, उन्होंने रस्ते दे असीं रस्ते नूं चुमदे हाँ, रस्ते नूं सिजदे करदे हाँ। और सतगुरु के चरणों यही अरदास बेनती करते हैं कि सानू इस रस्ते दे पांधी बनाई रखे। मैं देश दे देश विदेश दीआं संगतां नूं एक बेनती करनी चाहुंदा हां कि ये सरकारां लख यतन कर लैन, लख डरावे दे लैन, इहदे नाल सिख कौम दा कख नहीं उगाड़ सकदे। क्योंकि ये ठीक है कि कला कला सिख इन्हां दी नज़र विच पता नहीं क्यों सिख एक मार्शल कौम हुंदिया होया बड़ी नरमदिल ते दयावान कौम है, पर इन्हां दे अखां च क्यों रड़कदी है इहदा अर्थ यही दस सकदे है, इहदे सवाल दा जवाब तां यही दे सकदे है। पर अज दुनिया दे विच जो हालात बन रहे हैं कुदरत एक बहुत वड्डी शक्ति है ते कुदरत दा नियाम ही बड़ा प्रबल है। इस करके इन्हां नूं अज दुनिया के कचहरे च खड़ा होना पै रहा है, जिस करके ये हुण एक गुनाह तो बाद दूजे गुनाह वल वध रहे ने। पर मैं समुची कौम नूं बेनती करूँ कि आप सारे एकत्र होवो, सारे तकड़े होवो, कोई गल नहीं। इत्थे भाई अमृतपाल सिंह वर्गे 10-12 बंदे NSA दे अधीन छिटे आप जानते हैं, कोई है कसूर उन्हां दा? जे उन्हां दा एक कसूर है कि उन्होंने एक थाने ते कब्जा कर लिया सी, मन लो इन्हां दे कहण मुताबक, ते इह तां हरियाणे युद्ध विच वी होया, कल्ला कब्जा ही नहीं होया उत्थे मुलाजमां दे मर्डर हो गए, उन्हां ते तां NSA लगी नहीं, उहदा चक जमानतां ते बाहर आ गए। सो इस वास्ते ये जो कुछ हो रहा किधर नूं संकेत दित्ते जा रहे ने कि जिहदा कोई ना कोई हथियार ना जिहनां कोल कोई लिटरेचर ना कोई इहो जी कारवाई, फिर भी NSA ये साडी जबान भी बंद करनी चाहुंदे आ, सानूं इस रस्ते उत्ते थरकाउणा चाहुंदे आ। पर असीं सतगुरू की कृपा नाल सचेत हैं, इह वजह सानूं कोई ना डर है ना भय है कि इहो जी लख यतन कर लैण, इहो जीआं लखां बोर्डां ला लैण, इह कल्ला घर ही जमीन ही नहीं, इह घर जब्त कर लैण, साडीआं गड्डियां जब्त कर लैण, सानूं जब्त कर लैण, सानूं इहदा कोई फिक्र नहीं। जैसे उहदी किन्नी जगह जिहड़ी इहनां ने गल NI ने उह लिखी हुई बोर्ड ते तुहाडे सामने आ। सिंह साहब जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ NIA ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ 7 ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ 7 ਦੇ ਉੱਪਰ 35 ਕਿਲੋ RDS ਪਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1983 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਨੋਟਸ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਇ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਇ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੋਗੇ? ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਲਸਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਾਉਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਗੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਲੀ 'ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲੀ 'ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? 2021 ਦਾ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।